दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई के लिए ज्योग्राफी के जैसे आपके तीन पोर्शन होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो इंडियन ज्योग्राफी से आता है। इंडियन ज्योग्राफी की बहुत सारी वीडियो आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देखिए। और मैं अगला टॉपिक एक शुरू कर रही हूँ, द्वीप समूह। द्वीप समूह में हम सबसे पहले देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आप इस मैप में देखेंगे, ये बंगाल की खाड़ी में है, है ना जी। ये जो बंगाल की खाड़ी में है, जब हम हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है, जो आपकी अराकायोमा पेगुयुमा है ना, दो ये आपकी चोटियां हैं जो कहाँ पड़ेंगी, म्यांमार में पड़ेंगी, उनका पूर्वी विस्तार माना जाता है अंडमान निकोबार को। यानी कि जो म्यांमार में आपकी अराकायोमा पेगुयुमा है, उनका पूर्वी विस्तार है जो अंडमान निकोबार है। भाई हिमालय का जो निर्माण हुआ है, दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से हुआ है। क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो आपका हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति आज भी हो रही है, वो आज भी अपनी युवावस्था में है। तो यानी कि जो आपके समुद्र के ऊपर उठा हुआ भाग जो है, हिमालय की उत्पत्ति के कारण समुद्र के अंदर उठा हुआ जो भाग है, जो आपके अराकायोमा पेगुयुमा का विस्तार है, उसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें 572 द्वीप हैं। इन 572 द्वीप में से जो आपके 38 द्वीप हैं वो बसे हुए हैं, और 38 द्वीप में से 25 द्वीप जो आपके अंडमान के हैं, और 13 द्वीप आपके निकोबार के हैं। तो इस तरीके से 38 द्वीप जो है आपके अंडमान निकोबार में बसे हुए हैं। अब हम एक एक जो बड़े द्वीप हैं उन्हें लेके चलेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखना, सबसे आपका होता है मध्य अंडमान, है ना, मध्य अंडमान। यानी कि जो मध्य अंडमान है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो हम बड़े से लेके छोटे की ओर चलेंगे, तो सबसे बड़ा कौन सा है, मध्य अंडमान, यानी कि मिडिल अंडमान। जो मध्य अंडमान है, यहीं पर जारवा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। जो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य अंडमान में पाई जाती है। और यही मध्य अंडमान में जो बेरन एक द्वीप है, है ना, बेरन क्या है, एक द्वीप है, जो कैसा द्वीप है, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है, जो मध्य अंडमान में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि बेरन कैसा है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान में है। इसके बाद आता है आपका उत्तरी अंडमान। जो उत्तरी अंडमान है, ये दूसरा बड़ा द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप का जो है दूसरा जो बड़ा द्वीप है कौन सा है, उत्तरी अंडमान है। आप इस उत्तरी अंडमान में देखेंगे, ये सैडल पीक है ना, यहाँ पे सैडल पीक है, और सैडल पीक कहाँ मिलेगी आपकी, उत्तरी अंडमान में मिलेगी। और यह जो उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, और ये जो सैडल पीक है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची आपकी चोटी है, जो कहाँ मिलती है, आपकी उत्तरी अंडमान में मिलती है, ठीक है। ये नई जो आपकी एटलस है उनमें नहीं मिल पाती है, लेकिन जो पुरानी एटलस है उनमें सैडल पीक आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, वर्ल्ड मैपिंग और ये जो आपकी ये इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग बिना एटलस के नहीं हो सकती है, इसलिए बच्चों एटलस जरूर ले लेना, एटलस से ही इस सब को करना। अगला आपका आता है नारकोंडम। जो नारकोंडम है, एक मृत ज्वालामुखी है, मृत का मतलब वो डेड हो गया है, डेड यानी कि हजारों सालों से एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। तो नारकोंडम एक मृत ज्वालामुखी है, जो कहाँ मिलता है आपको, उत्तरी अंडमान में मिलता है। इसके नीचे आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान है वो आपका भारत का तीसरा बड़ा द्वीप है, ठीक है। और इस दक्षिणी अंडमान में ही जो आपकी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जो कहाँ मिलेगी आपको, दक्षिणी अंडमान में ही मिलती है, ठीक है।
इसी पर यहाँ पे आप देखेंगे माउंट हैरियट। यहाँ देखिए ये माउंट हैरियट है, इस मैप में देख सकते हैं, ये जो माउंट हैरियट है ये कहाँ मिलती है, ये भी दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में आपको माउंट हैरियट मिलती है। अगला है आपका लिटिल अंडमान। जो लिटिल अंडमान है यहाँ पे ओंगे जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ओंगे जनजाति पाई जाती है और लिटिल अंडमान अंडमान समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, यानी कि जो दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, आपका लिटिल अंडमान है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चैनल। चैनल में जैसे आपका इसमें देखना है मैप पे, ये है प्राइस चैनल। जो प्राइस चैनल है वो ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य आपका प्राइस चैनल पड़ता है। कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार के और लिटिल निकोबार के मध्य कौन सा है, आपका प्राइस चैनल पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका 10 डिग्री चैनल है। ये जो 10 डिग्री चैनल है ये आपने देखना अंडमान और निकोबार के मध्य है। अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा है, आपका 10 डिग्री चैनल है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है, तो अंडमान के और निकोबार के मध्य आपका 10 डिग्री चैनल है। ये आपका 14 डिग्री चैनल कहाँ पर है, जब आप इसमें पूरा भारत का या वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ऊपर कौन सा है आपका म्यांमार, म्यांमार के कौन सा है कोको द्वीप, और नीचे कौन सा है भारत, भारत का कौन सा है लैंडफॉल द्वीप है, के मध्य में आपका 14 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, फिर है आपका 9 डिग्री चैनल। ये जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय द्वीप व शेष लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है। देखो नीचे देखना, ये कौन सा आपका मिनिकॉय द्वीप है और ये कौन सा है, ये आपका शेष लक्षद्वीप है, तो इसके मध्य कौन सा है आपका 9 डिग्री चैनल है। इसके बाद आप देखेंगे 8 डिग्री चैनल। ये जो 8 डिग्री चैनल है ये आप देखना मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, यहाँ पे आपका ये मिनिकॉय द्वीप है और मालदीव के मध्य क्या है आपका 8 डिग्री चैनल है। ये मैंने चैनल एक साथ दे दिए हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। अगला है दक्कन पास। दक्कन पास जो आपका कहाँ पड़ेगा, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य दक्कन पास पड़ता है। इस मैप में देखना आप, यहाँ पे लिटिल अंडमान है और यहाँ पे दक्षिणी अंडमान है, इन दोनों के बीच में क्या है आपका दक्कन पास है। ठीक है, इसको याद करना। अब हम देखते हैं, अभी हमने अंडमान पढ़ा था, अंडमान निकोबार द्वीप का अंडमान पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह नॉर्थ से साउथ की ओर देखते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा पड़ेगा, कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार के नीचे कौन सा है आपका लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के नीचे कौन सा है आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये जो है आपके तीनों हैं नॉर्थ से साउथ की ओर है, आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हैं, पहले कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर आपका है ग्रेट निकोबार। ये है आपका ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जब हमने इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने पढ़ा था कि जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, और जो कहाँ मिलता है आपका ग्रेट निकोबार में मिलता है। ठीक है, और ग्रेट निकोबार में ही आपका माउंट थुलर ये ग्रेट निकोबार में है, और यह अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, सैडल पीक, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, माउंट थुलर है। ठीक है, अगला है ननकावरी द्वीप। ये जो ननकावरी द्वीप है इसमें मैप में देखना, ननकावरी द्वीप यह कार निकोबार में है, और इस ननकावरी द्वीप में ही भारतीय नौसेना का बेस है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना का बेस कहां पर है, ननकावरी में है। ठीक, अब हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं इन द्वीप को और चैनल को। सबसे पहले आपका कौन सा है, कोको द्वीप, फिर कोको चैनल है, फिर नारकोंडम है, फिर उत्तरी अंडमान है। ये आपके अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर कौन सा है, कोको द्वीप, ये देख ले, हाँ ये कोको द्वीप है, फिर यहाँ नीचे देखना कोको चैनल है, फिर नारकोंडम है, फिर ये दक्षिण अंडमान है।